दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये जनाब 20 पंप में यहाँ तक पहुँचा है। अब हम इस पंप की सर्विस करेंगे और फिर देखेंगे कि सर्विस के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एयरगन फॉर ऑल के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में एक बार फिर अजीम कुरैशी हाजिर। और काफ़ी दिनों से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि हम एक 4 स्टेज पंप की मुकम्मल सर्विस और इसमें यूज़ होने वाले ओरिंग्स के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आज हमारे पास है एयर मेगा का 4 स्टेज पंप, और जिन दोस्तों के पास ये एयर मेगा का पीसीपी पंप मौजूद है 4 स्टेज का, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और अगर आपके पास ये पंप ना भी हो तो हम जिन इश्यूज़ की तरफ डिस्कस करेंगे उसके अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम आपके, चाहे आपका पंप कोई सा भी हो पीसीपी, उसमें आपके मसले मसाइल हल होने वाले हैं। अक्सर देखने में आया है कि पंप जो है वो बैक प्रेशर मार रहा होता है इस जगह से, ये एयर जिस वक्त आप भर रहे होते हैं उसको जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ये वापस रिवर्स ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, या एकदम से फ्री हो जाता है, या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है पंप और प्रॉपर एयर नहीं भर पा रहा होता। एक और रीज़न भी होती है, वो ये कि आप ये जो गेज देख रहे हैं इस पे आपको हवा भरती हुई तो फील होती है कि हवा भर रही है, लेकिन आपके पंप बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा पंप आप मार रहे होते हैं उसके बाद जाके इसकी हवा भर रही होती है। तो उन तमाम प्रॉब्लम की तरफ हम देखेंगे, गौर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से पंप इसके पंप के अंदर कौन कौन से ओरिंग जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इन तमाम मामलात के ऊपर हम नज़र डालेंगे। तो इस पंप को खोलने से पहले जिन पार्ट्स की, जिन टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो जहन में रख लीजिए कि कौन कौन से हैं। पर्टिकुलरली इस पंप को खोलने के लिए आपको एक एलकी की ज़रूरत पड़ेगी जो इसके अमूमन साथ आती है, और उसके बाद आपको एक प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी एक अपनी की इसके बॉक्स के साथ आती है, इस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक अदद आपको पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्यूब का रबड़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके पार्ट्स जो हैं उसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्क्रैच ना पड़े, या आपके पार्ट्स जो हैं इंटरनल पार्ट्स जो इसके हैं वो डैमेज ना हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं जी, इसको खोलते हैं। सबसे पहले हम इस पंप के ये जो टॉप पे 2 बोल्ड लगे हुए हैं इनको खोलेंगे, और ये एलकी से खुलेंगे। तो जनाब इनको मैं लूज़ तो कर ही चुका हूँ, अब हम इनको खोल लेते हैं। तो ये दोनों बोल्ट हमने खोल लिए हैं, जैसे ही हम ये देखें ये एक बोल्ट ये है और ये इस जगह से हमने खोलें, दोनों बोल्ट खोलने के बाद ये लीवर आपका हट जाएगा और इसको आप साइड पर रख दें, बोल्ट को आप संभाल लीजिए, गुमनी होनी चाहिए। उसके बाद ये रॉड है बीच की, इस रॉड को पकड़ के बाहर खींचें तो ये इस तरीके से आ जाएगी। फिर इस बोल्ट को हम खोलेंगे, इसको बोल्ट को खोल के भी हम साइड पर रख लेंगे, अगर थोड़ा सा टाइट होता है तो हमें नीचे हाथ से ही पकड़ना पड़ेगा और इसको प्लायर से खोलना पड़ेगा। तो रबड़ इसीलिए है कि रबड़ आप लगा लें अगर ये स्लिप हो रहा है, तो उसके बाद आप प्लायर से पकड़ के इसको खोल लें। ये खोलने के बाद आप इसको भी सिक्योर कर लेंगे, अब ये आपका बिल्कुल फ्री हो गया है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या होगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम खोलने लगे हैं वो ये सेक्शन है, इसको भी आपने क्या करना है, इस ट्यूब के ज़रिए आपने इसको अच्छी तरीके से इसको ट्यूब को यहाँ पर टाइट करना है। टाइट करने के बाद आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये हाथ से ही ग्रिप करें तो ज़्यादा बेहतर है, किसी टूल का इस्तेमाल ना करें यहाँ, और इसको आपने पकड़ के इसको अच्छी तरीके से घुमाना है। इसको घुमाने के बाद आप इसको बाहर निकाल लेंगे और ये ईज़िली बाहर आ जाएगा।
इसको आप साइड पर रख दें। ये देखें, इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है, आपको कोई ख़ास इसके अंदर सिलसिला नहीं नज़र आएगा। इस सेक्शन को उठा के हम साइड पर रख देते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये देखें कि नेक्स्ट आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जा रहा है कि हमने क्या क्या खोलना है, लेकिन अब अभी आपने इसको नहीं खोलना। हम इसको अभी नीचे से खोलेंगे, इस जगह से खोलेंगे इसको और चैम्बर से अलग कर लेंगे। उसके लिए हमें की पकड़नी पड़ेगी, की का सबसे बड़ा वाला सेक्शन, इसको हम यहाँ डालेंगे और नीचे वाले चैम्बर को पकड़ के इसे खोलेंगे। ये पीछे रह जाता है चैम्बर, इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, जैसे इसको सर्विस करना है। इसके अंदर एक ओरिंग भी मौजूद है, तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ प्रेशर को रोकना होता है, इसके अलावा उसका कोई ख़ास काम नहीं है। जो इस जगह को सील करना होता है उसने, इस जगह को, ठीक है जी। अब हमने इस सेक्शन को बाहर से, इस सेक्शन को खोलना है। इसको भी आपने ट्यूब से पकड़ना है, इस सेक्शन को, और इसको खोलने के लिए आपने बिल्कुल इसको एंटी क्लॉक वाइज आपने इसको घुमाना है। मैं इसको ज़ोर लगा चुका हूँ ऑलरेडी, और इसको आपने बड़े प्यार मोहब्बत से इसको भी खोल लेना है। तो जब भी आप पार्ट्स को खोलें, ज़बरदस्ती ना करें, एहतियात के साथ काम करें। वो पार्ट्स जो बिल्कुल फ़िट होते हों, टूल्स वो जो फिट होते हों, उन टूल्स को आप इस्तेमाल करें। ये वाला आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया है, और ये जब सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, खुल गया आपका, तो ये आपने पूरे का पूरा सेक्शन बाहर निकाल लिया और आपके पास ये पूरा पंप खुल के इस हालत में आ चुका है। ठीक है जनाब, ये इस हालत में आपका पंप आ चुका है। इस पाइप को आप जब बाहर निकालने लगेंगे तो ये पाइप बाहर नहीं निकलेगा। ये देखें, ये पाइप बाहर नहीं आ रहा, और मैं आपको दिखा पाऊँ। उसके लिए आपको इस सेक्शन को खोलना पड़ेगा। ये दोबारा मैं ले जाता हूँ पीछे। ये सेक्शन हमने बॉटम से खोला था, यानी उस पाइप से खोला था, ये वाला सेक्शन, इसके ऊपर पाइप आया हुआ था, यहाँ पर पाइप कसा हुआ था, वो पाइप हट चुका है। वो पाइप आपका किधर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो पाइप था जो हमने अभी इसमें से खोला है। इसकी टॉप साइड ये थी और इसकी बॉटम साइड ये थी। ये इस तरीके से इसके अंदर लगा हुआ था, इस जगह पे हमने इसको यहाँ से खोल लिया, खोल के इसको साइड पर रख दिया। नेक्स्ट हमारा क्या फेज़ है, अगर आप देखें तो ये आ रहा है। हमने इसको खोलना ही नहीं है, इस सेक्शन को हमने खोलना ही नहीं है। और ये है बॉटम, वो जो चैम्बर में लगता है, ये बॉटम साइड है। यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये वॉल की जगह है। इसको हम खोलते हैं और इसके अंदर से वॉल को चेंज करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कि हम इसको खोलेंगे और इस पाइप को अलहदा कर लेंगे। अच्छा जी, फर्दर आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपको दो ओरिंग नज़र आ रहे हैं, इन दोनों ओरिंग को हमें उतारना पड़ेगा। ये बहुत लूज से होते हैं, कोई ख़ास हार्ड नहीं होते और बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, तो किसी भी सूएँ वगैरह से बड़ी एहतियात के साथ इन्हें पंचर किए बगैर या डिस्टर्ब तोड़े बगैर आप इनको आराम से निकाल सकते हैं। इन दोनों ओरिंग को आप बाहर निकाल लीजिए। अच्छा, ये ओरिंग भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं इसके अंदर, लेकिन अगर आप ये कहें कि सारा काम इनका है तो ये बिल्कुल गलत बात है। इन ओरिंग की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये ओरिंग फिर भी चल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ओरिंग होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं, और एक अंदर एक सेक्शन निकलेगा उसके अंदर भी यही इशू आएगा। तो अब हमारा प्रोसेस है जनाब इसको खोलने का, तो इसको देखें हम किस तरीके से खोलते हैं। इस सेक्शन को भी खोलने के लिए आप इसको रबड़ से पकड़ेंगे और इस की को इस कट के अंदर डाल देंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि किस जगह पे कट है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कट यहाँ पर, तो इस की को आप यहाँ डालेंगे इस जगह पर, और इसको तिरछा डालेंगे, यानी दूसरी साइड। ये देखें, ये यूँ नहीं है, ये इस कट में डालने के बाद आप इसको तिरछा डालेंगे। तिरछा डालने के बाद आप इसको यूँ करके खोलेंगे। तो मैंने इसको लूज़ तो कर लिया था, इसको फिर आप खोलना शुरू कर देंगे, और इस तरीके से हमारा ये सेक्शन अलग-अलग हो गया। तो देन हम इस रबड़ को हटा लेंगे। इस रबड़ को हटाने के बाद हम इस पाइप को भी इसमें से बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, जैसे ही हमने बाहर निकाला,
अब हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। अब ये जो हमने ये जो पीस है इसको अलहदा किया था, ये यहाँ आके रुक जाएगा, ये देखिए यहाँ आके ये रुक गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लास्ट सेक्शन है जो हमें खोलना पड़ेगा, देन ये पीस भी फ्री हो जाएगा या हम इसको रॉड से बाहर निकाल सकेंगे। तो अब हमें इसको खोलना पड़ेगा, पहले हम इसको साफ़ करेंगे। इसकी हालत आप देख सकते हैं कि ये चल चल के इसकी हालत क्या हो चुकी है, ये देखें तो अच्छा खासा इसके ऊपर ओरिंग घिस घिस के ये सारा काला स्याह हो चुका है, और ये सिलिकॉन ऑयल से इसका क्या हशर बना है। तो सर्विस करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसको टाइमली सर्विस कर लिया करें, और इन तमाम पार्ट्स को हमें साफ़ भी करना पड़ेगा, इसके ओरिंग देखना पड़ेंगे कौन सा ओरिंग काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। तो चलें जी, अब इस सेक्शन को हम खोलने जा रहे हैं। जी जनाब, तो इस सेक्शन को जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, इसको खोलने के लिए हमें इस पूरी रॉड को दोबारा से चैम्बर में कसना पड़ा है। हमने इसको कसने के बाद जस्ट इस की से, इस जगह से हमने इसको काबू किया, ये इसके ये वाली जगह अगर आप देख सकें तो ये वाली जगह से हमने इसको इस जगह पे इसका एक ये नज़र आ रहा है, होल नज़र आ रहा है। इस होल में हमने इस की को फंसाया और इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाया, तो ये सेक्शन अब खुल चुका है। तो चाहे आपका पंप कोई सा भी हो, उसमें जिस चीज़ की अभी हम बात करने जाएंगे, दो ओरिंग होते हैं, तो दो ओरिंग एक साथ इस सेक्शन के अंदर लगेंगे आपके। तो ये जो बैक प्रेशर वाले मसले होते हैं और इसमें से एयर कहीं से प्रॉब्लम कर रही होती है, तो बेसिकली आपका ये सेक्शन है और ये हमारा ये सेक्शन अब बाहर आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है इसको हम खोलेंगे, और इसके अंदर हमें दो ओरिंग होते हैं जिन्हें हमें चेंज करना है। और अभी हम पिस्टन की राड को भी बाहर निकाल लेते हैं। ये आपने देख लिया कि ये एक लास्ट सेक्शन है, ये भी बेसिकली वॉल कहलाता है। ये पंप के मुख्तलिफ वॉल हैं जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जाते हैं, दूसरी से तीसरी, और बिलाखिर लास्ट जो स्टेज होती है वो खुद पिस्टन होता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन कौन सा जो सेक्शन है वो क्या क्या काम करता है। जो पिछला सेक्शन हमने उतारा था ये सबसे टॉप पे लगा हुआ था, ये देखें ये इस जगह पे लगा हुआ था, यहाँ से हमने इसको उतारा। उतारने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन रिमूव होगा ये सेक्शन है, इसको भी हम ऐसे ही सीधा पकड़ के बाहर निकाल लेंगे, और ये निकल आया। तो दोस्तों, जिन चीज़ों की तरफ अभी पहले बात हो रही थी कि जो उसके प्रेशर को मेंटेन करने वाले असल ओरिंग हैं वो हमें नज़र ही नहीं आते, एक ओरिंग इसके अंदर मौजूद है। तो ये ओरिंग वो है जो चेंज होने वाला होता है, कि प्रेशर कभी भी डाउन होता है, अप होता है, या इसमें हार्ड होना शुरू हो जाता है, या मसले मसाले आते हैं, तो वो इस ओरिंग की वजह से आते हैं। फाइनली तो हम इसका पिस्टन अब बाहर निकाल लेते हैं कि पिस्टन कैसे बाहर निकलेगा। ये यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे, सिंपली इस राड को निकाल लेंगे, तो अब हमारा ये पिस्टन बाहर आ चुका है, और आप ये देख सकते हैं कि ये इस वक्त पिस्टन की हालत और कंडीशन है। ठीक है जी, ये इसकी कंडीशन है। तो हमें इसको टिश्यू से साफ़ करना पड़ेगा, और इसको भी चेक करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि चेक कैसे करेंगे, तो आपको पता चल जाए कि ये क्या सही वर्किंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये लास्ट था, इसको हमें देखना पड़ेगा, इसको हम नहीं निकालेंगे, हम जस्ट इसको चेक करेंगे, और चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। इस वक्त ये सही कंडीशन में, लेकिन ओरिंग हमने इसका चेंज करना है। तो इसको खोलते वक्त आपने ध्यान ये करना है कि आपने इसको बाहर बिल्कुल नहीं निकालना, इस जगह से नहीं निकालना, सिर्फ इस सेक्शन को आप पेचकस से खोलेंगे और पीछे से आप रबड़ से पकड़ लेंगे, तो इसको जैसे खोलेंगे ये बाहर आ जाएगा, ये वाला हेड इसका बाहर आ जाएगा। और इसमें एक स्प्रिंग होता है, एक वॉशर होती है, फिर एक ओरिंग होता है, और देन लास्ट में टेफ्लॉन होती है। तो मैं इसका आपको स्नैपशॉट भी इसमें दे दूँगा कि ये क्या क्या कितनी चीज़ें और किस तरतीब से हैं। इस सेक्शन को हम खोलने लगे हैं। इस सेक्शन को खोलने के लिए जो आसान तरीका है वो ये है कि हमारा तो खैर ये बहुत फंसा हुआ था, इसको खैर हमने लूज़ कर लिया है, लेकिन इसका सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि आर पार इस तरीके से पिन को आप डालने के बाद, और यहाँ पर आप इस सेक्शन में पेचकस से आप इसको
यूँ पकड़ें और इसको इस तरीके से खोल लें। इनके पार्ट्स को आपने एहतियात से साइड पर रखना है, ये खुल गया। ये जो है, ये है सबसे अहम चीज़ कि एक तो हमारा पिस्टन होता है कि हम पिस्टन के और वाल के ये देखें, इस वाल का ओरिंग चेंज करते हैं और जान छुड़ा लेते हैं, या हम पिस्टन का ओरिंग चेंज कर देते हैं, इसका ओरिंग चेंज करते हैं और जान छुड़ा लेते हैं। अक्सर दोस्त यही काम करते हैं, जबकि ये सफिशेंट नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर ओरिंग चेंज करने की। तो इसके अंदर भी हम ओरिंग देखते हैं कि जी कौन कौन से हैं। अमूमन इसमें दो ओरिंग होते हैं, इन दोनों ओरिंग को आप बाहर निकाल लें, ओरिंग्स को आप बाहर निकाल लें। ये देखें, ये दो ओरिंग हैं, तो ये बड़े अहम ओरिंग होते हैं। ये दो ओरिंग आपके निकाला है। इन दो ओरिंग को चेक करने का तरीकाकार क्या है कि ये क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप इनमें से एक ओरिंग उठाएं और पिस्टन की राड पकड़ लें, ये वाली जो राड है, इसके ऊपर इस ओरिंग को चलाएं। अगर ये फ्री नहीं चल रहा है तो ये ओरिंग ख़त्म है। ये देखें, ये इस वक्त ये नीचे गिर गया। इसको ऐसे गिरना नहीं चाहिए, इसी से आपका बैक प्रेशर मार रहा होता है, एयर गड़बड़ कर रहा होता है। ये सब बिल्कुल हवा की तरह, ये देखें, ये मैंने छोड़ा है और ये यहाँ से अगर मैं दिखा भी पाऊँ आपको तो ये देखें, नीचे गिर गया। इसी तरीके से हम दूसरे ओरिंग को चेक करते हैं तो इसकी हालत भी पूरी सूरी है, ये कोई ख़ास इसमें ताकत नहीं है। तो हम इन दोनों ओरिंग को चेंज कर देंगे। ये वो दो इम्पोर्टेंट ओरिंग हैं जिनको लोग चेंज नहीं करते। अब हम इसके अंदर डालेंगे वाइट ऑन के ओरिंग, ये दो ओरिंग और दो वो ओरिंग। सिर्फ ये चार ओरिंग ही आप चेंज कर लें तो आपके पंप की दुनिया बदल जाती है। तो अब हम निकालते हैं जनाब वाइट ऑन के ओरिंग और आपको दिखाते हैं कि वो कैसे होते हैं। अब आप ये ओरिंग देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे जो ओरिंग हैं ये पहले के निकले हुए हैं और जो राइट साइड पे हैं ये वाइट ऑन के पावरफुल किस्म के ओरिंग हैं। हम इनको अब उस पर राड के ऊपर चेक करेंगे। मैंने ज़रा क्लोज व्यू इसलिए आपको दिखाया है ताकि आप इनकी बाकायदा शनाख्त कर सकें। तो वाइट ऑन के ओरिंग की बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी होती है और बड़े हाई प्रेशर पर ये काम कर जाते हैं। आप दोस्तों को शायद इस वक्त देखने में ये ओरिंग और इस ओरिंग का साइज़ डिफरेंट नज़र आ रहा हो। जैसे ही ये ओरिंग रॉड पे चढ़ेगा तो ये टाइट हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं, ये ऑलरेडी खुला हुआ है काफ़ी, तो साइज़ का बिल्कुल आप बराबर का ओरिंग लगा देंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये रॉड पे वैसे ही स्लिप हो रहा था, लेकिन इसको आप लगाएंगे रॉड पे स्लिप नहीं होगा। और जैसे ही रॉड पे लगाएंगे, रॉड को अच्छी तरीके से ग्रिप कर लेगा और बाहर के सेक्शन को भी ग्रिप कर लेगा। तो ये एक बुनियादी सी बात है जिसके लिए ये बड़ा अहम है। इसको ज़रा राड के ऊपर लगाएं ताकि मैं दिखा सकूं। ये देखें जी, ये राड के ऊपर लगा लिया गया है और इसको चेक कर रहे हैं हम, तो ये जो मूव कर रहा है ये काफ़ी टाइट है इस वक्त, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी ये लुब्रिकेंट है तो ये टाइट वर्क कर रहा है। इसको टाइट वर्क ही करना चाहिए। ठीक हो गया जनाब। तो अब हम दोनों ओरिंग फिट करते हैं। ये दोनों ओरिंग बिल्कुल एयर को रोक लेंगे। ये दोनों ओरिंग हमने इसके अंदर डाल दिए, ये फिट हो गया और देन इसको हम वापस लगा देंगे और ये सेक्शन हमारा क्लोज हो गया। इसको हमने लेकिन टाइट आपने इतना नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा आप टाइट कर दें ताकि कल को आप इसको खोल सकें, तो आप इसको नॉर्मली टाइट करेंगे बस। जहाँ पर जाके ये इजीली रुक जाए वहाँ तक आप इसको कसें। ये थोड़ा सा ये इससे बाहर है, तो ये इस वक्त हमारा ये सेक्शन बिल्कुल रेडी है। हम इसको रॉड पे चेक करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये देखें, ये यहाँ पर ठहर गया है, ये ताकत ले रहा है, ऊपर नीचे जाते हुए ताकत ले रहा है। तो अब जब ये चलेगा तो इसकी वर्किंग बहुत अच्छी होगी। तो ये एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। दो ओरिंग हमने लगा दिए, अब हम इसके ओरिंग को चेंज करेंगे। तो इसको हम खोलते हैं और दिखाते हैं आपको। तस्वीर आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ, उसके अंदर इसकी तरतीब क्या है। इसकी तरतीब आप नोट कर लें कि सबसे पहले इसमें कौन कौन सी चीज़ें। ये हेड है, हेड के बाद यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बाद एक वॉशर है,
यहाँ पर वॉशर है, वॉशर के बाद ओरिंग है, ओरिंग के बाद स्लीव है। ये टेफलॉन की या फाइबर की स्लीव है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये इस जगह पर ये सुराख है, इसके अंदर फ्रंट पे एक सुराख लगा हुआ है, ये सुराख अंदर तक जा रहा है जो यहाँ तक आ रहा है, सुराख यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है, और इधर से ये बाहर भी है सुराख, एक बाहर सुराख निकला हुआ है इस जगह से। तो होता ये है कि जब आप इसमें इस पंप को पीछे खींचते हैं यानी ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ये वाल इस तरीके से खुल जाता है, ये देखें ये खुल रहा है, ये खुलता है तो ये वाला सुराख यहाँ से खुल जाता है और हवा जो है इस सेक्शन की हवा यहाँ से घुस के और अंदर की तरफ चली जाती है, तो ये पूरी हवा अंदर चली गई। और जैसे ही आप वापस प्रेस करते हैं तो ये वाला जो ओरिंग है ये इस स्लीव को बंद कर देता है, बिल्कुल लॉक कर देता है। और अब आप जब प्रेशर इसको देते हैं तो ये चूँकि हवा इसके अंदर जा चुकी होती है पाइप के अंदर, ये देखें ये पाइप है, पकड़ना भी इस तरीके से, तो वो जो हवा है वो फिर आगे की तरफ मूव करती है। तो अगर ये ओरिंग आपका पावरफुल नहीं होगा, इसमें बड़े मसले होते हैं कि इसको रगड़ का भी सामना होता है, हीट का भी सामना होता है, और 300 बार से ऊपर के प्रेशर का भी इसको सामना होता है। तो ये इंतहाई जानदार किस्म का ओरिंग आपको चाहिए, ये देसी ऑर्डनरी ओरिंग इसमें नहीं चलते। तो इसका भी जी ये ओरिंग हम चेंज करते हैं, और इस तरतीब को आपने लाजमी याद रखना है। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वाल का जो हेड है ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं कसना, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखना, आपने इसको लाजमी चेक कर लेना है कि इसका ये यहाँ से साइड से जो होल है वो आपको नज़र आना चाहिए। तो हम चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं। इसको चेक करने का तरीका बड़ा सिंपल और बड़ा आसान है। पिस्टन को आप बाहर निकालें, बाहर निकालें। ये अगर पिस्टन बहुत फ्रीली चल रहा है तो इसका मतलब है कि ओरिंग चेंज करने का टाइम आ गया। इसको हाथ से इतनी आराम से चलना नहीं चाहिए क्योंकि आप ऊपर से प्रेस करते हैं इसको, और इसमें एहतियात भी आपने बहुत करनी है इसके अंदर डालते हुए। ये टाइट जाता है जब आप नया ओरिंग डालते हैं, इसको बिल्कुल सीधा रख के हल्का सा पीछे से किसी चीज़ से हल्की सी चोट लगानी है तो अंदर चला जाएगा। तो इस वक्त ये देखें, निकालें, ये देखें ये ओरिंग बहुत ही सॉफ्ट चल रहा है इस पाइप के अंदर। दूसरा ये होता है कि नीचे आपने इस जगह पर इसके नीचे वाले सेक्शन में इसको टाइट करके बंद कर लें, तो जब आप पंप मारें तो ये आपके अंगूठे को हटा के हवा बाहर निकाले, ये देखें। तो ये अभी पुराना ओरिंग है, ये काम कर रहा है, यहाँ से हवा बाहर निकाल रहा है, लेकिन वो आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से पंप मार रहे हैं तो ये हाथ से ही मार रहे हैं और ये बहुत फ्रीली चल रहा है, तो ये इतना फ्री नहीं चलना चाहिए। तो अब हम इसको चेंज करने लगे हैं पिस्टन के ओरिंग को, तो फिर हम आपको दिखाते हैं चेंज करके ये कि किस तरीके से लगाने। लेकिन इसको लगाने से पहले हम आपको एक चीज़ दिखाते चलें कि आपने इसको किस तरीके से, ये देखें इसमें सुराख होता है यहाँ और एक सुराख ऊपर की तरफ होता है, तो ये क्रॉस होते हैं सुराख, ठीक है। तो नीचे आप स्लीव देख रहे हैं, ये स्लीव है, और इस स्लीव को ये जो फाइबर की स्लीव है इसके अंदर एक कटोरी सी बनी हुई होती है, एक साइड प्लेन होती है, तो जो प्लेन साइड है वो पहले आप इसके अंदर ऐड करेंगे। लगाएं जी, ये दिखा भी दें, ये प्लेन साइड है और दूसरी ये इसके अंदर चूंकि ओरिंग आता है तो ये कटोरी वाली साइड आपने ऊपर रखनी है, जो बेजा सी है अंदर की तरफ है, ये टेपर सी हुई है, इसको बहुत एहतियात के साथ आप इसके अंदर ले जाएं। और ये फंक्शन कैसे करती है देखें, हवा जाएगी फ्रंट से, ये पहले कटोरी को पीछे करें, कटोरी को पीछे कर दें इस तरफ लेफ्ट पे, ये इस पोजीशन में होती है, हवा ऊपर से टॉप से आएगी, पिन करें ज़रा, पिन से दिखाएं, ये ऊपर से हवा जाती है और आगे की तरफ निकल जाती है। तो जब ये वापस आप इसको प्रेस करते हैं नीचे की तरफ तो कटोरी को आगे ब्लॉक कर दें, ये इसने वाल को बंद कर दिया, अब हवा जो है सिर्फ आगे रह जाती है। एनीवेज ये जो है उसके बाद ओरिंग लगेगा, ओरिंग के बाद एक आपकी वॉशर है ये लगेगी, देन स्प्रिंग लगेगा और फिर इसका हेड लग जाएगा। तो हम इसमें ओरिंग जो है वाइट ऑन का फिट करके आपको दिखाते हैं। चलो जी, हम इसके अंदर वाइट ऑन का ओरिंग लगाने लगे हैं। सबसे पहले जो प्लेन साइड है वो अंदर जाएगी और जो टेपर साइड है वो बाहर की साइड पर रहेगी। ये हम टेफलॉन की जो सील है इसकी, पिस्टन जिसे आप कह लें, तो सबसे पहले ये लगता है, उसके बाद जनाब इसके बाद ओरिंग लगेगा। लगाएं, इसमें ओरिंग लगा दें, ये ओरिंग लगेगा इसके अंदर। ओरिंग लगाने के बाद वॉशर लगेगी और वॉशर के बाद आपका स्प्रिंग लगेगा और फिर हम इस पर इसको लगा देंगे। ये देखें, बड़े आराम से इसको आप टाइट कर लें,
बस ये नॉर्मली इसको कसें, इसको एहतियात से पकड़ना है आपने, इसको तोड़ना नहीं है और मुनासिब इसकी कसाई करनी है कि ये खुले नहीं। बस ये नहीं है कि आपने इसको बहुत इम्तियाज से ज़्यादा, इसका वाल खोल के दिखाएं फंक्शनैलिटी साइड से कि कैसे ये खुल रहा है। ये देखें जब चलता है तो ये ऐसे अप एंड डाउन होता है, ये ओरिंग इसकी स्लीव खोल देता है और फिर ऊपर की नीचे साइड पर बंद करता है, नीचे बंद करता है। इसको हल्का सा यहाँ पर हल्का सा एक कतरा बस हाथ से ही, चलो जी, और इसकी राड पे भी हल्का हल्का सा आप इसका सिलिकॉन ऑयल डाल दें, चारों तरफ लगा लें इसको, इसको भी चलेंगे। ये जो पटाखे की आवाज़ आ रही है ये टकराने की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये मेरी इस हथेली से ये जो वॉल है इससे ये डिस्चार्ज करने की, ये आप देख रहे हैं कि मुसलसल हवा बाहर आ रही है। तो इसको ये पीछे नहीं जाने दे रहा, किसी भी सूरत में एयर को ये पीछे नहीं जाने दे रहा। तो ये इसका चेक करने का तरीका है। अब हम इस वाल का ओरिंग भी चेंज कर देंगे, वैसे तो ये बेहतरीन फंक्शन कर रहा है लेकिन इसके अंदर भी हम वाइट ऑन का ओरिंग डाल देंगे क्योंकि ये भी बड़ा अहम मसला है। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि चार ओरिंग आपने चेंज करने हैं, तो ये हमारा लास्ट ओरिंग है, तीन हम चेंज कर चुके हैं और चौथा ओरिंग हम चेंज करने जा रहे हैं, इसको भी चेंज करेंगे। हर ओरिंग को बड़ी एहतियात के साथ बिठाना होता है। इस वक्त हमने हल्का सा सिलिकॉन लगाया और इसको हमने इसकी जगह पर बिठा दिया है। तो इसके अंदर अब वाल को हम वापस फिट कर देंगे। वाल को फिट करने के बाद इस वक्त वाल की सफाई हो रही है, जहाँ से लाला ने कहा है कि जी वाल के अंदर का जो सेक्शन है वो काफ़ी, वो इस वक्त गड़बड़ हुआ हुआ है। तो जो जो जिस जिस जगह से ये आप देखें ये काला स्याह, इसको बिल्कुल क्लीन कर लें जी। तो अच्छी तरीके से आप इसको साफ़ करें और ये जो आपको ये ब्लैक कलर का ये नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा ये उन ओरिंग्स का कमाल है जो इसके अंदर घिसना शुरू हो जाते हैं और जो आपका सिलिकॉन ऑयल है उसके साथ इसका जो कचरा है वो आना शुरू हो जाता है और बेसिकली यही प्रॉब्लम करता है आगे चल के आपके फिल्टर के अंदर। ये हवा के साथ साथ ये पानी के साथ मिक्स होके ये एक बड़ा गाढ़ा सा ब्लैक कलर का मादा बन जाता है और यही आगे चलता है। तो इन ओरिंग्स की तब्दीली के बाद काफ़ी उम्मीद की जा सकती है कि ये इसमें बहुत कम पैदा होगा, इसके बहुत कम इसकी जो घिसाई वगैरह है वो होगी। चलो लगाएं, इसको लगाए बड़े आराम से इसमें बैठ जाएगा। ये सेक्शन ऑलरेडी चेक हो चुका है, सिर्फ हमने ओरिंग चेंज किया है और इसको बहुत ज़्यादा नहीं कसना क्योंकि बहुत ज़्यादा कसेंगे तो वाल बंद हो जाएगा। तो इसमें आपने सिर्फ इसको बराबर रखना है। यही सारे वीडियो की समझ लें जो अहम तरीन प्लेस थी वो ये थी। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो अब हम फिट करने लगे हैं, उसका भी हम ओरिंग चेंज करेंगे। लेकिन आपके लिए जो जिस जगह तक काम था वो हो चुका है, बाकी दोस्तों के लिए ये देखें ये ओरिंग हमने चेंज कर दी है। इसके ओरिंग हम पहले ही चेंज कर चुके हैं, इस सेक्शन को हम लगाएँगे। एक ओरिंग और है, इसको हम देखेंगे। इसके अंदर जो मैं शुरू में दिखा चुका हूँ, ये इसका सबसे लास्ट ऊपर वाला सेक्शन है, इसके अंदर भी एक ओरिंग होता है। तो ये अगर टाइट चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको भी चेंज कर देंगे और इसमें भी वाइट ऑन का ओरिंग लगाएंगे। चलें जी इसको लगाएं जी, इसको लगाएं अपनी जगह पर। लेकिन इससे पहले आपका ये सेक्शन जाएगा और इसको हम चेक कर लेते हैं। लगाएं इसको अंदर, लगाएं इसको अंदर, डालें पाइप की जगह और इसको चेक करें कि क्या ये जो नॉर्मल इश्यूज थे जो मैं पहले आपको बता चुका था कि बैक प्रेशर मारता है, फ्री हो जाता है, मसले मसाइल आते हैं, वो वही चार ओरिंग थे जो हमने चेंज कर लिए हैं। तो जहाँ से भाई कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, जिस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको भी चेंज कर लेंगे। हाँ ये टाइट है, ओके है जी, ये ओके की रिपोर्ट है। यहाँ पर जस्ट हम इसको सिलिकॉन ऑयल देंगे, लेकिन ये हम बाद में भी दे सकते हैं वैसे तो,
और ये कोशिश करें कि अंदर की साइड पे दें, आप नीचे की साइड पे मत दें, क्योंकि जो लुब्रिकेशन इसके अंदर रहेगी वो अंदर की साइड पे ही रहेगी। ठीक है जी, तो ये ओके है। चलो जी, नेक्स्ट उसको लगाएं, सेक्शन को आप लगाएं, और इसके अंदर भी जो पुर्जा आप लगाते जाएं उसके अंदर की साइड को भी लुब्रिकेट करते हैं। चलो, तो ये दो ओरिंग थे जो एक साथ लगे थे, ये इस वक्त बहुत फंस के चल रहे हैं, ये इसी तरह फंस के चलने चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये ऑयल को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, ये अगर आप ऑयल की लाइंस देखें तो ये यार क्रॉस नहीं होने दे रहे ऑयल को, पकड़ें ज़रा शॉर्ट को, ये देखें, तो ये ऑयल को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं और ये टाइट हैं, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम इसको फिट कर देंगे। मुझे इसको कसो, इसको कसने के बाद हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट लेवल। जी, इस की के ज़रिए अब इसको हम टाइट कर रहे हैं और ये बस ये टाइट हो गया। स्लाइडली टाइट करना है आपने, बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना। तो अब हमारा पिस्टन जो है वो वहाँ पर वर्क कर रहा था। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो इस सेक्शन की हवा हमने चेक करनी है। ये देखें, ये यहाँ पर आके इसको लॉक करता है, इस जगह लॉक करने के बाद ये, और इसके अंदर एक और स्टेज का पाइप लगता है जो कि है ये। हमने इस स्टेज पर देखना है कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है जी, लगाएं जी इस पाइप को, लगाएं और इसको लगाएं जी। नेक्स्ट स्टेज ये है कि अब हम इसका पाइप लगाने लगे हैं, जो इस सेक्शन का पाइप है। लगाएं जी इसके पाइप को, मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ। हाँ, एहतियात से, जिस वक्त आप इसको, कितना टाइट जा रहा है देखें, ये टाइट जाना चाहिए, और इसको पकड़ के आप हाथ से ही कस लें, और जब लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी तो स्लाइटली सा इसको कसना है आपने, बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना। तो ये अब हमने इसको पकड़ के कस लिया है, ये एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ दांत अड़ता है। दिखाएं ज़रा, एक मिनट दिखाएं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक कट यहाँ पर है और एक कट यहाँ पर है। ये कभी भी दोनों कटों में नहीं अड़ेगा की को, आपको ये जो की है इसके अंदर आपको ये दो दांत नज़र आ रहे हैं नीचे, ये देखें, एक ये दांत है, एक ये दांत है। सिर्फ एक दांत को आपने इसके अंदर फंसाना है और दूसरा नीचे रखना है, ऐसे नीचे रखना है। एक को आप फंसा लेंगे यहाँ पे और दूसरे को अपने नीचे रख के और इसको ऐसे टाइट करना है। लेकिन आपने टाइट करते हुए कोशिश करनी है कि रबड़ का पीस इस ट्यूब पे लगा लेना है। लगाने के बाद इसको टाइट करना है, और ये ख़ास हद से ज़्यादा टाइट नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बस एक नॉर्मली टाइट कर देना है। ये अब टाइट हो चुका है, ये निचला सेक्शन है और ये हमारा ये राड वाला सेक्शन कम्प्लीट हो गया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो ये हमारा एक सेक्शन कम्प्लीट हो गया, ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन हमने इसको चेक करने के लिए ऊपर वाले सेक्शन को लगा के चेक करेंगे, तो अब हम चलते हैं जी ऊपर वाले सेक्शन को, इसको लगाते हैं। लेकिन इसके लिए हमने जो ये दो ओरिंग उतारे थे शुरू में, हम इन दो ओरिंग्स को भी अभी लगा देंगे। ये हमारे यहाँ पर ही मौजूद हैं जनाब, दो अदद ओरिंग, ये देखें, ये दो ओरिंग हैं। इसको हम यहाँ से डालेंगे, इसको भी डालेंगे, और इनको पकड़ के बड़े आराम से हम इस जगह से इन दोनों ओरिंग्स को इनकी मतलूबा जगह पे लगा देंगे इस तरीके से, और इसको भी ले जाएंगे और इसको भी यहाँ पर फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सिलिकॉन ऑयल डाल देंगे इस सेक्शन के ऊपर। तो ये सिलिकॉन ऑयल डल गया हमारा, हमने इसको लुब्रिकेट अच्छी तरीके से कर दिया, ये देखें लुब्रिकेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पाइप को हमने इसके ऊपर चढ़ा देंगे, जो लास्ट पाइप था हमारा वो इस सेक्शन पे चढ़ जाएगा, ये देखेंगे। यहाँ से अब आप इसको इस तरीके से कसते जाएंगे और लास्ट में ले जाके आप इसको चाबी से कस लेंगे। दूसरी साइड इस तरीके से निकलती चली जाएगी। ये हमने लगाया ऊपर कैप, इसको हम यहाँ खोल के भी दिखा देंगे आपको, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि ये यहाँ से कैसे लगा था। ये इसके इस जगह भी चूड़ियाँ हैं और इस जगह भी चूड़ियाँ हैं। तो ये हमने यहाँ से इसको टाइट कर दिया निचले वाले सेक्शन को, ये वाल वाली साइड है, इसको हमने यहाँ से पूरा कस दिया। ये बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओरिंग ने इसको रोक लिया है, जस्ट स्लाइटली आप इसे टाइट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ये हाथ से ही जितना टाइट होता है बस उतना टाइट करेंगे आप बस। उसके बाद ऊपर वाले सेक्शन को आप कस लें, ये आपने कस लिया पाइप का, देन
अब एक लास्ट सेक्शन होगा जो हम लगाएंगे, ये वाला। ये हम पहले बगैर उसके लगा रहे थे, लेकिन इस तरह ये लगेगा, ये देखें। और इसको आप बाहर खींच लें, बाहर खींचने के बाद इस पाइप को भी बाहर खींच लें, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देन इस सेक्शन को आप इस जगह पे लगा देंगे। देखेंगे यहाँ पर अब टाइट हो गया, बेहतरीन स्मूथ। इसको हाथ से ही टाइट कर लें, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसको आपने कोई बहुत ही ज़्यादा इसको हार्ड टाइट नहीं करना, इसको आप हाथ से ही जितना टाइट हो सकता है करना। ये नहीं खुलेगा बिल्कुल, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये लास्ट बोल्ट है, इसको हमें लगाना है। लगाएं जी, ये ज़रा टाइट करके लगता है, ये ईजी नहीं लगता, ये ज़रा थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये करने के बाद अब हम वापस इसके लीवर को लगा देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लीवर लगाने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि इसको अब आपने चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे? ये चेक लीवर लगाए बगैर नहीं होगा, इस स्टेज पे आके ये लीवर लगाए बगैर चेक नहीं होगा। दोस्तों तो आप देख रहे थे, अब हमने इसको फिट कर लिया है और देखते हैं कि ये किस पंप में चलता है। 1, 2, 3 तीसरे पंप पे भाई, और एक पंप और मारे, चौथे पंप में मारने के बाद ये अपनी 300 बार से भी आगे निकल चुका है। इस वक्त ये 350 से थोड़ा सा नीचे है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या फ़र्क पड़ा है। प्रॉपर सर्विस करने के बाद कहाँ 20 पंप और कहाँ महज 4 पंप। तो दोस्तों वाइट ऑन के ओरिंग का कमाल आपने देख लिया। ये मैंने इसमें किसी भी किस्म का कोई रद्दबदल नहीं किया माँ सिवाय ओरिंग के। ये आपके सामने पंप है और आज हमने इसको प्रॉपर सर्विस किया है। इसके जो जो ओरिंग मैंने आपको बताए थे वो चेंज करने के बाद इसका ये रिज़ल्ट है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ बहुत ही गौरतलब है कि जब आप हम सर्विस करके चुके हैं तो आपने किन किन सेक्शंस को अच्छी तरीके से टाइट करना है। इनको टाइट करें, इस सेक्शन को अच्छी तरीके से चेक करें, गेज को चेक करें, इसको चेक करें, पीछे वाल वाले इस बोल्ट को चेक करें। तो जो जो आपके ख़ास ख़ास बोल्ट हैं उनको लाजमी चेक करें, वरना हो सकता है कि कोई एक बोल्ट आपका टाइट होने से रह गया हो, जैसा कि ये बोल्ट है। हमने इन सब को चेक किया है और इनके प्रेशर को बाकायदा वाटर के साथ चेक किया है, तो अब ये बिल्कुल ओके की कंडीशन में ये आपके सामने है। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।